गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से बचे, नहीं तो लगेगा चोरी का झूठा आरोप। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों गणेश चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा होता है उसका दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलती से भी कर लिया तो समझ लीजिए आपके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लग जाएगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी जो होती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है उस दिन का चंद्रमा कलंकित माना गया है। उनके दर्शन करने मात्र से चोरी का झूठा आरोप लग सकता है, क्योंकि द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, उसके कारण उनके ऊपर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लग गया था। तब उनके गुरु गर्गाचार्य ने कहा था कि भगवान आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया है इसलिए आपके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लग गया है। तो मित्रों आप भी चंद्रमा देखने से बचे और इस चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देखे, क्योंकि इस चंद्रमा को भगवान गणेश जी ने श्राप दे दिया था। एक बार गणेश जी मूसक पर सवार होकर के जा रहे थे, तभी अचानक जो है चंद्रमा ने उनकी हंसी उड़ाई, उनकी मजाक उड़ाई। इससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उसको चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें जो भी देखेगा उसके ऊपर कलंक लग जाएगा, झूठा आरोप लग जाएगा। तो मित्रों भगवान ने जैसे ही श्राप दिया, चंद्रमा तुरंत आकर के भगवान गणेश जी के चरणों में गिर गया। गणेश जी ने उनको क्षमा करते हुए कहा कि केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है उस दिन का चंद्रमा ही कलंकित रहेगा और बाकी सारी चतुर्थियों का पूजन तुम्हारी पूजन के बिना संभव नहीं होगा। तो भगवान ने उनको क्षमा करते हुए कहा और कहा कि केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा जो कोई भी देख लेगा उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लग सकेगा। तो मित्रों आप इस चंद्रमा को देखने से बिल्कुल बचे, चंद्रमा कलंकित है, आप कदापि इस चंद्रमा को नहीं देख ले। तो यदि गलती से आपको चंद्रमा दिख जाए तो स्यमंतक मणि की जो कथा है उसका श्रवण करने मात्र से यह कलंक दूर हो सकता है। तो मित्रों आपने जाना कि चतुर्थी का चंद्रमा कलंकित होता है, इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो आप बच करके रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।